इस दुनिया में आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप अपना सपोर्ट खुद नहीं बनते हो। आपकी लाइफ चॉइसेस, आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपकी इच्छाएं, आपके ओपिनियन, इन सब के लिए आपको खुद को ही खड़ा रहना पड़ेगा। अगर लोगों को आपकी इच्छाएं पता पड़ गई तो लोग आपको डाउन करेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि तुम्हें बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, अपने बारे में कम सोचना चाहिए। बट ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी आपकी है। जब ऊपर जाएंगे ना तो भगवान जी आपसे पूछेंगे, तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आपके बिहाफ पे कोई और लोग आके जवाब नहीं देंगे। और जो बुरे लोग हैं ना, वो पास्ट में भी थे, अभी प्रेजेंट में भी होंगे और आगे भी मिलेंगे। हे गाइस, दिस इज सोनम जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है इज ऑल अबाउट अपने दुश्मनों के बीच फुल पावर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खड़े रहो। जी हाँ, देखिए, आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग, आपसे जलस करने वाले लोग, आपके मुंह पे बुराई करने वाले लोग, आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग, आपको छोटी छोटी बातों पे जज करने वाले लोग, कंट्रोल करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग हमेशा 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 रहेंगे। ये बात समझ लो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो। अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी पर्सनालिटी बहुत जल्दी लोगों से मिक्सअप हो जाती है, आप खुद नहीं रहते हो, लोग बन जाते हो, जब लोगों के बीच में होते हो बिल्कुल मिक्स हो जाते हो और आप अपने आप को भूल जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो भगवान जी ने इंटेंशनली भेजेंगे ताकि आप ये चीज़ सीखो कि आपको अपना वजूद कैसे बनाना है, अपने आप को इन लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करना है। देखिए, ये वीडियो उन टॉक्सिक लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये वीडियो है आपके लिए कि आप अपना वजूद कैसे बचाएं और अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें। देखिए, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर करें। वॉट इज़ योर स्टोरी? क्या है आपका सच? वॉट इज़ योर स्ट्रगल? क्या स्ट्रगल आपने अब तक किया है? अगर आप उन लोगों में से हो जिनका बुरे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं, तो मैं मानती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा। जब जब लोगों ने आपको मेंटली टॉर्चर किया, आपको मेंटली हैरेस किया, आप उन एम्बेरस सिचुएशन से गुजरे हो, जब आपको गिल्ट मिला, शेम मिला, तब आपने क्या किया? देखिए, जब एक राजा अपने राज्य पे जब अटैक होता है तो राजा क्या करता है? क्या राजा चुपचाप बैठा रहता है और सब चीज़ें ले लेता है? नहीं, वो अटैक करता है। तो जब आपके किंगडम पे, आपकी ऑरा पे, आपकी मेंटल बॉडी पे जब अटैक हो रहा था, तब आपने क्या किया? व्हाट यू डिड? देखिए, ये जो दुनिया ना, ये दुनिया अच्छे लोगों की साइलेंस से ज़्यादा खराब होती है। जब अच्छे लोग चुप होते हैं, जब अपना वो कर्तव्य भूल जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ के दूर रहते, तब ये दुनिया ज़्यादा खराब होती है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं ये शिकायत लेके कि उन पे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई अटैक कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। उसी के जितना खराब यहाँ पे ये है। और देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि लोग आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो? आप वो ब्लैक एनर्जी ले रहे हो। क्या ये आपकी सच्चाई है? और अगर आप उन लोगों में से हो जो हमेशा सच्चे रहे हो, अच्छे रहे हो, ना कभी किसी का बुरा चाहा, ना कभी किसी का बुरा करा, आपने अपने दुश्मनों तक का भी बुरा नहीं चाहा, अगर आपके अंदर इतनी अच्छाई है, तो इस अच्छाई का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जब लोग आपके साथ अच्छा करते हैं तो आप उनको प्यार देते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो, तो आप भी तो इतने अच्छे हो, तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट, अपने आप को प्यार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो गैंग बनाने में ज़्यादा माहिर होते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी साइड लेने में ज़्यादा माहिर होते हैं। और अगर आप उन बुरे लोगों पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट हो, फाइनेंशली डिपेंडेंट हो, करियर, जॉब, पैसा, किसी भी तरह से डिपेंडेंट हो अगर आप उन बुरे लोगों पे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी भी ज़रूरत है उन बुरे लोगों को। आपको हमेशा सिर्फ ये लगता है कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे ज़रूरत है जॉब की, मुझे ज़रूरत है रिलेशनशिप की, बट उन्हें भी ज़रूरत है आपकी। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, वो जो बुरे लोग आपकी लाइफ में ना, वो धीरे धीरे अपने आप लाइन पे आने लगेंगे। और देखिए, जो अच्छे और सच्चे लोग होते ना, वो कभी भी बैड पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। बैड पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स में ही नहीं पड़ते, वो लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं कर पाते,
लोग उनके साथ चाहे कितना बुरा कर ले, बट वो बाकी लोगों को नहीं बता पाते कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। और इसी चीज़ का फायदा बुरे लोग उठाते हैं, टॉक्सिक पीपल उठाते हैं। और होता क्या है, टॉक्सिक पीपल आपका कोई अलग ही चेहरा दिखाते हैं बाकी लोगों के बीच में, और वो लोगों को अपनी तरफ करते हैं, और आप एंड में अकेले रह जाते हो। और जब आप अकेले रह जाते हो तब आप और वीक फील करते हो। देखिए, कौन इंसान चाहेगा कि वो इंसान अकेला रह जाए और बाकी सब लोग ग्रुप में रहें? तो इंसान की ज़रूरत है कि वो लोगों के बीच में रहे, तो वो लोगों में जाने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी पर्सनालिटी अपने पावर के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वहाँ जाता है। उसे बुराई सुनना पसंद नहीं आएगा, पर फिर भी हाँ में हाँ मिलाएगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे बुराई कर भी देगा, बट यहाँ से गेम जो है वो ख़राब होने लगता है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई है, भगवान जी ने स्पेशली डिज़ाइन करके आपके लिए क्वेश्चन भेजा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करना है। आप जब तक आंसर नहीं करोगे ना, आप जब तक इस लड़ाई में नहीं जीतोगे ना, तब तक ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बार 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 आती रहेगी। बट आप क्या करते हो, आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो, और आप बाकी सब लोगों में गैंग मिला के आप भी बीच में ना बैठ जाते हो कि ताकि यार मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। सिर्फ उस अकेलेपन की डर की वजह से आप अपना सच, आपका जो ट्रूथ है ना, उसके साथ खड़े नहीं रहते हो। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि ताकि आप जब भी टॉक्सिक पीपल के बीच में जाओ, वर्ल्ड में जाओ, बाहर जाओ, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जी सको। सबसे पहली बात, फर्स्ट चीज़, बुरे लोगों की बुराई से जितना हो सके दूर रहो। अपने ओपिनियंस बहुत क्लियर रखो, वाइट वाइट है, ब्लैक ब्लैक है। जितना हो सके अपने काम से रिलेटेड जितना ज़रूरत है उतनी ही बातें करो, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट मत रखो। पता है होता क्या है, होता ये है कि जो बुरे लोग, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। वो आपसे बहुत स्वीट बातें करते हैं, स्वीट बातें करके आपको बुलाते हैं, हर जगह शो ऑफ करते हैं, हर जगह वो छाए रहना चाहते हैं। बट जब आप बुरे लोगों से दूर रहोगे ना, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, वो इनसिक्योरिटी उन्हें कहीं ना कहीं वीक करेगी। और जब आप उनकी नेगेटिविटी से दूर होंगे ना, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ फील होगी, लोगों को दिखेगा कि आप खुश रह रहे हो। जैसे ही आप खुश रहोगे ना, लोग आपके पास मधुमक्खी की तरह भिन भिन आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है, अपना वर्थ पहचानना है। अगर आपने अब तक ऐसी ज़िंदगी जिए कि जहाँ आपने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा, कभी गलती से आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ भी है, तो आपके दिल में उसके लिए बहुत सॉरी फील हुआ, आपने सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। अगर आपकी नज़र में आप अपने आप से नज़रें मिला सकते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो। आपको अपनी वो सारी चीज़ें याद करनी है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल देखा, आप बहुत ब्रेव हो। ओके, जब आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो जहाँ पे कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है, ऐसे पर्सन आपको मिलते हैं जिसका कॉन्टैक्ट बहुत हायर इन्फ्लुएंशियल वाले लोगों से होता है, तो वो लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल तन के रहते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला बहुत कोई इंसान पीछे बैठा है, कुछ हो भी जाएगा तो वो पीछे संभाल लेगा। ओके, और ऐसे लोगों के साथ कोई मैसअप भी नहीं करता, क्योंकि किसी ने मैस किया तो वो जो हायर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो आउट कर देंगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, आप उस प्योर डिवाइन लाइट के एंजल्स हो, भेजे हुए एंजल्स हो। ओके, अगर आप नेक काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो ना, तो आपका प्रोटेक्शन भगवान जी का कर्तव्य बन जाता है। ओके, भगवान जी का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान जी को आपको अपना नाम बचाना है ना, वो आप पे कैसे आँच आने देंगे? तो आपको अपना कनेक्शन उस हायर अथॉरिटी से जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप उसकी प्रोटेक्शन लेके जाओगे ना, तो नो बडी कैन टच यू विदाउट योर परमिशन। कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपका हार्म नहीं कर सकता। अगर किसी ने हार्म किया भी ना, तो उस इंसान को तो पता पड़ेगा ही, और आपको उससे ज़्यादा बेटर प्लेस मिलेगी। आपकी लाइफ में कभी भी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पेरेंट्स या जिनके बहुत हाई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो कितना स्पेशल फील करते हैं, और लोग भी उनके आसपास कैसा रहते हैं, तो ये फीलिंग भी आपके अंदर आनी चाहिए। इतना फेथ आपका उस डिवाइन पे हो जाना चाहिए कि
ठीक है, मैंने अच्छा काम किया जिंदगी में, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ किया है, तो मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। ओके, मैं स्पेशल हूँ, मैं आई एम द क्वीन, आई एम द किंग, ये वाली फीलिंग आपके अंदर भी आ जानी चाहिए। आपको उस पोजीशन में लाना है अपने आप को कि आप बहुत प्योर डिवाइन लाइट हो और आप स्ट्रांग हो। आप किसी का भी खराब ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हो। किसी की क्या मजाल कि कोई आपको कुछ बोल के चला जाए। इतना आपकी उस लेवल पे आपकी वो आपकी सोच हो जानी चाहिए, इतना आपका स्ट्रांग फेथ हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग करना है भगवान जी के साथ। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी ज़िंदगी में कोई अपना ड्रीम, अपना गोल, आपका लक्ष्य, आपकी इच्छाओं को पूरी करने की लालसा, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब जिस इंसान के पास ड्रीम होता है, सपना होता है, उस इंसान के पास टाइम नहीं होता आलतू फालतू चीज़ों की तरफ देखने का। तो कोई ऐसा ड्रीम चुनो आप अपनी लाइफ में जो बचपन से आपकी ज़िंदगी में हो, बचपन से आपने चीज़ सोची हो। अगर बचपन वाली चीज़ अब पॉसिबल नहीं हो सकती, तो आज जो पॉसिबल हो सकती है ना, वो चीज़ सोचो, जहाँ आपका मन करता है, जहाँ आपका पैशन करता है, जहाँ आपकी आत्मा बसती है, वो चीज़ करो। वो चीज़ आपका ड्रीम, आपका सपना, आपकी हॉबी, वो सारी नेगेटिविटी से आपको बचाएगा जो आपके आसपास है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप कब उस नेगेटिविटी से निकल जाओगे। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लर्न टू वॉक अलोन। अकेले रहना सीखो, अकेले चलना सीखो। क्योंकि जब आप अकेले चलोगे, जब आप अपने पावर में चलोगे, आप ये समझोगे कि मैं पावरफुल और मैं चल रहा हूँ, आपके पीछे 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 लोग चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और जब आप अपनी अच्छाई में चलोगे ना, तो ये अच्छाई लोगों में फैलेगी और लोगों में फैलेगी और लोग भी अच्छे काम करेंगे। ये तो आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, हर इंसान का ये कर्तव्य है कि वो अपने पावर में, अपनी सच्चाई में खड़ा रहे और लोगों में ये फैलाए, ये इंस्पिरेशन फैलाए। आई होप मेरी ये बातें आपके दिल तक पहुंची होगी और जो चेंज आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो ना, वो चेंज आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।